कहावत है, जो मेहनत करने का शौक पालते हैं, वो काम को कल पर नहीं टालते, और ऐसे लोग अक्सर जीवन में कामयाब होते हैं। इसी कहावत का एक जीता जागता उदाहरण है प्रगतिशील किसान सुखविंदर सिंह, जो बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा और यही उनकी सफलता का राज है। किसान सुखविंदर को शुरू से ही बागवानी का शौक था। उन्हें पेड़ लगाना और उसकी देखरेख करना अच्छा लगता है। जिला यमुनानगर के प्रगतिशील किसान सुखविंदर के पास आज 14 एकड़ जमीन का बड़ा सा बाग है, जिसमें वह अलग अलग किस्म के फलों की खेती करते हैं। प्रगतिशील किसान सुखविंदर अपने कठोर इरादे और बागवानी विभाग से मिले सहयोग से अपनी जमीन में बाग स्थापित करके न केवल अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि वह कीटनाशक खाद रहित खेती कर पर्यावरण को भी बचाने का काम कर रहे हैं। केमिकल मुक्त खेती कर किसान सुखविंदर अपने बाग में साफ सुथरे फल उगाते हैं। आज सुखविंदर सिंह ने खेतों में आम, लीची, अमरूद, नाशपाती, आड़ू और आलू बुखारा के अलावा बड़ी संख्या में नींबू आदि की फसल लगा रखी है। किसान सुखविंदर का कहना है कि उनका शौक था कि वह अपने बाग में फलों की खेती से अपना नाम और अलग पहचान बनाए। सुखविंदर बताते हैं कि अपने पिता को देखकर ही उन्हें बागवानी करने का शौक चढ़ा और आज जिस बाग को वो संभाल रहे हैं, उसकी शुरुआत उनके पिताजी ने सिर्फ आम के बाग से की थी, लेकिन सरकार की मदद और बागवानी विभाग के सहयोग से आज उनके बाग में कई तरह के फलों की खेती होती है। हमने ये बाग लगाया हुआ है, ये मेरे फादर्स को ये बहुत शौक था, ये उन्होंने ही शुरू किया है और आगे हमें है और हम भी इसको आगे ही लेके जा रहे हैं। उन्होंने पहले आम का बाग से शुरू किया था, उस टाइम ये नींबू या लीची होता नहीं था इतना, ये कोई 35-40 साल की पहले की बात है। तो अब इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने नींबू लीची में आए, आड़ू में आए, आलू बुखारे में आए, अमरूद में आए और इनको हम देख रहे हैं। और हमें जो सहायता मिल रही है वो हॉर्टिकल्चर से बहुत ज़्यादा मिल रही है। मार्केटिंग हम लोकली करते हैं, लोकल हमें बहुत बढ़िया मिल जाता है। अगर ज़्यादा एक्सेस हो जाए तो हम बाहर की मंडी भी ले लेते हैं, दिल्ली भेज लेते हैं, अलवर भेज देते हैं। इससे हम कम से कम भी सीजन जब चलता है, अलग अलग सीजन होते हैं, उसमें 10 से 15 आदमी तो लगते ही है। किसान सुखविंदर बताते हैं कि इतने बड़े बाग में बागवानी करना आसान नहीं था, लेकिन उनकी लगन और बागवानी विभाग के सहयोग से आज वह अपने इस शौक को अपने व्यवसाय में बदल पाए हैं। वह कहते हैं कि बागवानी करना सब्र का काम है, क्योंकि फलों की खेती करना अनाज की खेती से अलग है। इसमें आपको अपने बाग और फलों का पूरा ध्यान रखना होता है और पेड़ों पर फलों के आने का लंबा इंतजार करना होता है। प्रगतिशील किसान सुखविंदर कहते हैं कि अगर आज का युवा किसान बागवानी में अपना रुझान बढ़ाए तो वह भी अच्छा मुनाफा कमा सकता है। का सबसे बड़ा मेन कारण है, वो चाहते हैं अभी हम आज कुछ लगाएं और इसका आज ही ले लें। एक बाग ऐसी चीज है, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। कुछ वैरायटीज हैं जो दूसरे साल फल दे देती हैं, पर फिर भी बच्चे नहीं चाहते, वो कहते हैं हमें तो आज लगाया और कल इसका फल मिलना चाहिए। जैसे सीजनली गेहूं हो गया, जीरी हो गया या गन्ना हो गया, वो उस तरफ ज़्यादा भागते हैं। एक इसमें थोड़ी मेहनत करनी है, वो नहीं करना चाहते। जिसको शौक है वो बाग लगाए, जिसको शौक नहीं है वो बाग मत लगाए, क्योंकि ये एक बच्चों की तरह इसको पालना पड़ता है। जैसे घर में अपने फैमिली बच्चे पालते हैं वैसे पालना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है, ये कुछ नहीं बताएगा, हमें इसको देख के देखना पड़ेगा। हरियाणा सरकार किसानों को सब्सिडी देकर खेती में आगे बढ़ने के लिए सहयोग कर रही है, जिसकी मदद से किसान आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुखविंदर बताते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें खेतों में ड्रिप लगाने और नए प्लांट्स लगाने पर भी सब्सिडी मिली है। सरकार के इस सहयोग से उन्हें काफी मदद मिलती है। हरियाणा सरकार आज
किसानों को खेती के लिए उपकरण खरीदने से लेकर नए नए पौधे लगाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है, जिससे प्रदेश का किसान प्रोत्साहित होता है। और आज युवा भी खेती का रुख कर रहे हैं। आज का किसान ये समझ रहा है कि खेती में अच्छा मुनाफा कैसे कमाया जा सके। हमने ड्रिप लगवाई है, उसमें सब्सिडी सरकार बहुत ज्यादा दे रही है, जो बाग के लिए बहुत बेनिफिट है। और प्लांट्स भी अगर हम नए लगाते हैं तो उस पर भी सब्सिडी मिलती है। इसकी प्रूनिंग पे भी सरकार हमें सब्सिडी दे रही है पर एकड़ के हिसाब से। सरकार और प्रोत्साहन दे इसमें बाग में। जिला पंचकुला के प्रगतिशील किसान एसके खुराना ने वो कर दिखाया है जो पहले का किसान सोच भी नहीं सकता था। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है, और इस कहावत को सच कर दिखाया है प्रगतिशील किसान एसके खुराना ने। पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 12 एकड़ जमीन पर किसान एसके खुराना खेती करते हैं। किसान एसके खुराना बताते हैं कि ये करना उनके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन बागवानी विभाग की तरफ से मिली पर्याप्त जानकारी के सहयोग से ही उन्होंने ये कदम उठाया। प्रगतिशील किसान एसके खुराना ने अपनी जमीन पर 10 यूनिट नेट हाउस लगाया है, जिसमें वह सब्जियों और फलों की खेती करते हैं। पहाड़ी इलाके में नेट लगाकर खेती करना शुरुआती दौर में थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन सरकारी योजनाओं और बागवानी विभाग से मिली जानकारियों ने इसे आसान बना दिया। प्रगतिशील किसान बताते हैं कि आज वह इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। परंपरागत खेती से अलग हटकर आज आधुनिक खेती कर किसान आगे बढ़ रहा है। किसान ये समझ रहा है कि आधुनिक खेती को अपनाकर किस तरह से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। प्रगतिशील किसान एसके खुराना कहते हैं कि आज उन्होंने कृषि क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। किसान खुराना आज अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आए हैं। मैंने यहाँ पे 10 यूनिट नेट हाउस लगाए हुए हैं, साथ में और भी लगाए हैं। मैंने इस पूरी जो पहाड़ी लैंड थी इसको लेकर के हमने पूरा इसको जेसीबी वगैरह लगा करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के इसको एग्रीकल्चर के लायक बनाया। प्रगतिशील किसान एसके खुराना बताते हैं कि इस तरह से खेती करने का उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला, जिसने उनके मनोबल को और बढ़ा दिया। उन्होंने अपने खेत में खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च की खेती की, जिससे उनकी इनकम में भी काफी ग्रोथ हुई। किसान एसके खुराना आज अन्य किसानों को भी परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती की तरफ रुख करने की सलाह देते हैं। दूसरा ये रहा कि लगाने के बाद जब हमने यहाँ काम शुरू किया तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। सब्जियों की फसल जब हमने की, खीरा किया, टमाटर किया, शिमला मिर्च की, तो उससे इनकम भी हमारी काफ़ी ग्रोथ हुई, और उसका जो है ना बहुत फायदा हमें आने वाले फ्यूचर के अंदर। हम और लोगों को भी कहते हैं कि आप ना परंपरागत खेती छोड़ करके इसके अंदर हॉर्टिकल्चर वाले इसके अंदर आप आओ। प्रगतिशील किसान एसके खुराना बताते हैं कि खेती से पहले वह जूतों का शोरूम चलाते थे, जिसमें मेहनत तो थी लेकिन कमाई ज्यादा नहीं थी, और यही वजह थी कि उन्होंने खेती करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जानते थे कि अगर वह आधुनिक खेती के क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वो बताते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से नेट हाउस और पॉली हाउस लगाने के लिए सब्सिडी तो मिलती ही है, साथ ही बागवानी विभाग की टीम समय समय पर किसानों की मदद भी करती है। खास बात ये है कि सब ऑनलाइन होने की वजह से योजनाओं का लाभ लेना और भी आसान हो गया है। हरियाणा की सरकार की तरफ से नेट हाउस पॉली हाउस लगाने के लिए बड़ा अच्छा उत्साहवर्धक टीम है उनकी, और वो टाइम पे गाइड भी करती है, और उनकी तरफ से कोई कभी दिक्कत नहीं आती। पॉली हाउस के लिए डिपार्टमेंट का बड़ा अच्छा रोल है, उनके वेबसाइट के ऊपर सारा सिस्टम है, अपलोड करने के बाद प्रायोरिटी बेस के ऊपर वो करते हैं काम, लेकिन काम करने का उनका तरीका बड़ा अच्छा है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती। कंपनियों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कोई परेशानी नहीं हुई।
किसान एसके खुराना के खेतों में लगे फल और सब्जियां आज चंडीगढ़ की बड़ी मंडियों में भेजी जाती हैं, जिसने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। प्रदेश का किसान आज हरियाणा सरकार की मदद से खुशहाल और प्रगतिशील किसान बन रहा है, जिसके लिए किसान भी सरकार का आभार जताते हैं। हरियाणा सरकार किसानों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज सरकार का मकसद है कि हरियाणा का हर किसान कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाकर खुशहाल जीवन बिता सके।